सख्त थक गए हैं, तो गए। सख्त थक गए हैं, और सारा दिन हमने अपना घर मैनेज किया है, चीजें खत्म हुई हुई थी वो लाए हैं, और ये मुझे जो सनियाज पार्लर है उन्होंने आयोरा का सोप एंड बाम्स, ये फेस एंड हैंड लोशन मुझे उन्होंने दिया है आयोरा का, तो ये मैं यूज करूंगी, और देन आप लोग देखना कि मेरे हाथों शाथों में कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। सोप्स एंड ये बाम्स। अर्बल है, लाइक अच्छा ये इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है, और खाना मुझे आपकी बेगम आपसे माजरत ख्वाह है कि आज कोई नहीं है, बाहर जाके खाते लेकिन हैं। मेरा दिल कभी कहता है कि मैं चाइनीज खा लूं, कभी कहता है कि रोटी हो प्रॉपर, तो नहीं, रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं। रोटी तो या बारबेक्यू टुनाइट है या तंदूरी है, तंदूरी चलते हैं, बारबेक्यू टुनाइट बाहर अरेंजमेंट होती है और आ जाती है और क्योंकि चली वैसे गई। उस्मानिया और ये है, उस्मानिया और ये अफगानी रेस्टोरेंट्स भी अच्छे हैं, लेकिन दिल नहीं है उधर जाने का। हाँ ठीक है, तंदूरी चलते हैं फिर। तंदूरी ठीक चले, है, हाँ वाई नॉट। बारबेक्यू टुनाइट में क्या खराबी है? बारबेक्यू टू नाइट जो है ना, उनके बाहर अरेंजमेंट है और वो सारी अभी आंधी वगैरह आई है और सब धर्म भरम हुआ हुआ होगा, ठीक, और अब जब ये बारबेक्यू हमारे साथ है तो भाई है टू गो सो फार। ठीक है, सही है, चलते ठीक हैं, है, लेट्स चलो गो। बारबेक्यू मुनासिबत से मौसम भी बड़ा क्लाउडी क्लाउडी सा हो गया है ना, बिजली चमक रही है, और आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन, यही तो खासियत है ये इस्लामाबाद की, के थोड़ी सी गर्मी होती है। बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार बारिश हो गई, आंधी पहले आ जाती है तो हाँ, बादल उड़ा और देती है। सारे घर में ऐसे मट्टी हो जाती है जैसे कभी घर को साफ नहीं किया, तो चले आमतौर हैं। पर इस तरह से जो ना मुल्तान में होता था, जब छोटे छोटे थे मुल्तान में रहे या मैं बड़ा होके भी रहा, आंधी है बहुत ज्यादा आती है। पंजाब साइड पे आती आंधी है, और मुल्तान में तो रेत उड़ती होगी है ना। पहले हम आए हैं यहाँ? नो, हम पहले नहीं आए, दिस इज हमारा पहला विजिट है। अभी हम खाते हैं बारबेक्यू और देते हैं आपको एक सुथरा सा रिव्यू, ताकि आपको भी बता सकें कि यहाँ का खाना कैसा है। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर कर रही थी कुछ कबाब्स और चिकन बोनलेस, और साथ हमने काबली पुलाव मटन की बोटी वाला ऑर्डर किया था। तो जब आपको वाकई रियल वाली भूख लग रही हो तो उस वक्त फिर चाइनीज़ या बर्गर या पिज़्ज़ा मेरा खाने का दिल नहीं चाहता, बल्कि मेरा दिल चाहता है कि प्रॉपर रोटी हो, बल्कि हम प्रेफरेबली नान के बजाय फिर तंदूरी रोटी मंगवा लेते हैं, और उसके साथ कुछ बारबेक्यू हो जाए और कुछ ग्रेवी वगैरह हो जाए तो फिर एक अच्छी सी फीलिंग हो जाती है, और ऐसा महसूस नहीं होता कि आपने सारा दिन से जो है वो अपना कोई खाना नहीं खाया। तो मैं और मुजीब हम दोनों ज़्यादातर नाश्ता ही कर लेते हैं, और फिर हमें रात को एक प्रॉपर खाना चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोगों ने काफ़ी सोच विचार के बाद पहले तो हमारा प्लान बना कि हम चाइनीज़ खा लें, फिर हमारा प्लान बना कि हम बर्गर खा लें, लेकिन जब मैंने अच्छा ये इस जगह का ये था कि यहाँ इसके मेन्यू में सब कुछ था, मतलब बारबेक्यू में
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो यहाँ अवेलेबल नहीं थी, और मैं यहाँ इतना कभी आई ही नहीं। मुझे ये डिस्कवर तो अब हुआ है कि ये दिस इज़ अ नाइस प्लेस और साफ़ सुथरी, और मतलब कि यहाँ फैमिली के साथ आप आराम से आकर खाना खा सकते हैं, और टेस्ट वाइज भी इनका खाना अच्छा था। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे और मुजीब को अब प्रॉब्लम होती है वो ये है कि हम फुल डिश नहीं मंगवा सकते, तो हम हाफ़ डिश के लिए कहते हैं जो ज़्यादातर जगहों पे अवेलेबल नहीं होती, और फिर हमें हमारे से खाना ख़त्म नहीं होता, तो इधर भी यही प्रॉब्लम थी। जी मुजीब, बारबेक्यू तो नहीं, चा दोस्ती दोस्त। अभी तक इतनी गेम खेलने के बाद हमें मिला है ये रायता। यस, रायता और सैलेड। अभी खाना आने में थोड़ा सा और टाइम है, थोड़ी सी और गेम खेल लेते हैं। आई होप आपको अच्छा मज़ा आ रहा होगा। टिक्के पिज़्ज़ा खाने हैं, बर्गर खाने हैं। सारी दुनिया को खाना। कैसा है सलाद? गुड। लो ट्राई करो। नहीं आप करें ना जी, खाए ना। आई होप यू आर लाइकिंग दिस फूड। स्माइल दे, एक स्माइल, एक और। क्या बना रहे हो? मुझे अगर आपके बाल ना होते तो आप कैसे होते? क्या ना होते? बाल है? बाल मंजा था। मुझे भी एक बात बताऊं? हाँ। एक बात बताऊं? मेरा दांत टूटा हुआ है, मैं रोटी कैसे खाऊंगी? मेरा तो दांत टूटा हुआ है। हाँ, और उधर बेब करो। एक सेकंड, एक सेकंड, अंगूठे मेरा मामा उसका है। मामा आ जाओ, याद कराया करो। खाना इज हियर। ये आ गए हमारे रेशमी चिकन कबाब। ये आ गया हमारा मटन काबली पुलाव। और ये आ गया चिकन बोनलेस क्रीमी मक्खनी हांडी। और वो आ गए हमारे साथ ही नान। डालो ना, आप पहले ले लें। नहीं नहीं, आप लोग लेडीज फर्स्ट। दिस इज बोनलेस ना? तो खाना खाते हुए हम ये आपस में डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान का बारबेक्यू जो है वो वाकई बहुत ही मज़े का होता है। एक पाकिस्तान का बारबेक्यू और एक टर्की का बारबेक्यू मुझे बहुत पसंद है, वरना बहुत सारी जगहों पे इवन अमेरिका में भी हमने बारबेक्यू खाया है, लेकिन जो यहाँ के बारबेक्यू का मुकाबला है वो वहाँ नहीं था। बहुत मजे के अच्छा, अगर हम दोनों को कंपेयर किया जाए ना खाने के मामले में, तो मैं बहुत ज़्यादा गोश्त खोर हूँ, लेकिन मुजीब को इतना गोश्त पसंद नहीं है। मुजीब ज़्यादातर सब्ज़ियाँ और दालें खाते हैं, और लेकिन बारबेक्यू मुजीब खा लेते हैं, तो फिर
जब भी हम इस तरह आते हैं तो फिर मुझे बहुत ख्याल से ऑर्डर करना पड़ता है। जैसे मुजीब हड्डी वाला गोश्त नहीं खाते तो फिर मैं चिकन बोनलेस वगैरह मंगवा लेती हूँ, या मुजीब को बीफ पसंद नहीं है तो इसलिए फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि कम से कम बीफ वाली चीज़ें मंगवाई जाएं, और जो है वो या तो चिकन मंगवा लें या फिर मटन मंगवा लें, और वो भी प्रेफरेबली हड्डी के बगैर। लेकिन मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा लाइक आई लव चर्बी वाला या हड्डी वाला गोश्त, ख़ास तौर पर बारबेक्यू में। लेकिन खैर ये अपनी अपनी पसंद होती है और हमें दूसरे की पसंद की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर बहुत बहुत लाइक हमने इंजॉय किया खाने को। तो ये देखे मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ये काबली पुलाव था तो ये भी मैंने मटन वाला मंगवाया हुआ था, और इतनी अच्छी क्वालिटी का ये मटन था कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको इसके अंदर बड़ी जूसी सी उन्होंने हमें पीस दिया था, जो कांटे से अलग हो रहा था। और इसी तरह का गोश्त मुझे पसंद है जो कि आपके दांतों में ना फंसे और जिसके साथ आपको कुश्ती ना करनी पड़े, बल्कि वो जूसी हो और वेल कुक्ड हो, और जब आप उसको खाएं तो वो आपके मुंह में लिटरली मेल्ट हो जाए। और ये सारा डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छे तरीके से इसको कुक किया हुआ है, और वाकई इन लोगों ने अच्छा बनाया हुआ था। और उसके अंदर मुझे लगता है कि जो कुक था उसने अच्छी खासी मैरिनेशन की हुई थी, क्योंकि नमक अंदर तक था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये अगर अच्छी तरह से की हुई हों तो खाना अच्छा बनता है। तो अगर इस्लामाबाद में आकर किसी का बारबेक्यू खाने का दिल करे तो ब्लू एरिया में बारबेक्यू नाइट इज़ नॉट अ बैड प्लेस। और बस मैं यही कहूँगी कि जो एक चीज़ ये है कि पोर्शन ये लोग फुल देते हैं, हम दो थे हमसे वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था खाना। तो अगले ब्लॉग के लिए बहुत सा प्यार रखिए, और ढेरों दुआओं और देख रहे के साथ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।